हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हिरा और आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ एक ऐसा नुस्खा जो आपकी कोहनियाँ और आपके अगर गर्दन, आपके घुटने अगर काले पड़ गए हैं, जो आपके चेहरे से अलग दिखते हैं, स्किन टोन इवन नहीं है वहाँ की, रफ है, तो वो आपको फौरन हील करेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उसमें हेल्प करेगी, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखिए, मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है अभी अपने फेस पे या अपने नेक पे, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है मेरे स्किन पे। ये देखिए, मैं आपको नेक का भी बता देती हूँ। देखिए, ये टिश्यू फट गया है लेकिन इस पर कोई भी मेकअप नहीं है। तो मैं आज एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ, एक ऐसा पेस्ट बनाने वाली हूँ जो आपको नेक पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ नहीं, उसके लिए मैं ये लूँगी नींबू। ये मैंने आधा काट लिया है, कट करके लिया है नींबू। और हम एक ऐसा बर्तन में थोड़ा सा, हम बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना ही हमें बेसन चाहिए और पिंच हल्दी। और हमारा जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ये है कपूर। ये वही कपूर है जो हम पूजा के टाइम हम जलाते हैं, वही कपूर है। ये मैंने पंसारी की दुकान से लिया था और उसे देसी कपूर देने को बोला था। अगर आपको देसी कपूर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो आप जो कपूर पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं वही कपूर लेना है। और उसे हम एक चुटकी इसमें ऐड करेंगे, हमें बहुत थोड़ी सी लेनी है। देखिए, इतना ले, इतना काफ़ी है। अब मैं इसे तोड़ के इसमें मिक्स कर दूँगी। देखिए, बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें मिक्स करना है और इस नींबू की हेल्प से, इस नींबू की हेल्प से हमें इसे अपने पूरे, देखिए ऐसा हो जाएगा। और फिर हमें इसे ये देखिए, कुछ नींबू इस तरह हो जाएगा। और हम इसे पूरे नेक पे, आपका जहाँ जहाँ ब्लैक है नेक, उस पर अप्लाई करें। कपूर बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। आप इसे, आपको ये पूरा सॉल्यूशन जो है ऐसा डिप कर करके और आपको अपने नेक पे, कोहनियों पे, जहाँ है वहाँ इसे रगड़ देना है और पूरा साफ़ कर देना है। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसा ही रगड़ना है और हल्के हाथों से रगड़ें, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें। तो आप इसे इन सब प्लेसों पे भी, जहाँ पे आपके अगर ये नकल्स आपके ब्लैक है ना, आपके ये कोहनियाँ ब्लैक है, तो उस सब जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसे 3 से 4 मिनट तक रब करना है और उसके बाद इसे आपको वॉश कर लेना है ठंडे, मतलब नॉर्मल पानी से, गर्म पानी यूज़ ना करें, नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर दें और उसके बाद आपको रिज़ल्ट साफ नज़र आएगा। पहली बार में ये काफ़ी हद तक आपके जो मैल है, जो कालापन है, उसे निकाल देगा और आपकी स्किन में एक शाइन सी नज़र आएगी। अगर आपका नेक आपके फेस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक है तो आप इसे रोज़ कर लें जब तक कि आपका जो टोन है वो मैच ना हो जाए। और अगर आपका जो, जब कॉम्प्लेक्शन आपका ऐसा लगे कि मिलने लगा है फेस से, तो आप इसे हफ्ते में 3 बार कर दें। और फिर जब आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम ही सेम हो जाए तो आप इसे हफ्ते में 1 बार करें। तो अगर आप इसको रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल करें, हफ्ते में 1 बार करें, ये रेमेडी बहुत बेस्ट है आपकी काली गर्दनों के लिए। आपके कहीं पे भी अगर जहाँ स्किन हार्ड हो रखी है, ब्लैक हो रखा है, वहाँ पे आप इसे ट्राई करेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो वैसे भी अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं बैक टू बैक, तो आप शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो स्किन टोन है वो इवन हो जाए, है ना। तो फिर ऐसे ही रेमेडी के साथ, देखिए मैं इसे वॉश करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे। ये देखिए, मैंने इसे 3-4 मिनट लगाने के बाद नींबू से, और फिर मैंने वॉश कर दिया था।
तो आप देख सकते हैं क्लियरली। वैसे भी मैं स्किन जो स्किन पे जो भी यूज़ करती हूँ वो नेक पे यूज़ करती हूँ, तो मेरी मेरी नेक और मेरी फेस का कलर कुछ ज़्यादा डिसकलर नहीं है। लेकिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी नेक का कलर बहुत डिफरेंट था मेरे फेस के कलर से, तो मैंने उस टाइम पे इस नुस्खे को यूज़ किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन आप इसे लगाने से पहले यहाँ पे आप कान के पीछे थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें, थोड़ा सा लगा के देख लें, थोड़ी देर छोड़ के, एक मिनट दो मिनट छोड़ दें लगा के, और फिर देखें कि अगर आपको कोई इचिंग हो रही है या जलन हो रही है या कुछ खुजली उजली हो रही है तो आप इसे ना करें। तो आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। और मिलूंगी फिर आपसे ऐसे ही अच्छी वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ, बाय।